अस्सलाम वालेकुम। क्लास सिक्स, सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस, चैप्टर नंबर 5 है जी। की पॉइंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, पौधों की क्या अहमियत होती है, फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस, स्टार टेस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। यस, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की अहमियत, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, व्हाई आर प्लांट्स इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस क्यों अहम होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इम्पोर्टेंस क्यों अहम होते हैं, बिकॉज प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन। प्लांट्स जो हैं वो हमें क्या मुहैया करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं फॉर रेस्पायरेशन, सांस लेने के लिए। प्लांट्स प्रोवाइड फूड, बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनसे हम फूड मुहैया करते हैं या जो हमें फूड मुहैया करते हैं, जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं। प्लांट्स आर यूज इन मेडिसन, बहुत से पौधे इस्तेमाल होते हैं अद्वियात बनाने में। प्लांट गिव अस बिल्डिंग मटेरियल्स, बहुत से पौधों की जो लकड़ी है उनको हम अपने तामीराती मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स आर यूज इन आवर क्लोथिंग, बहुत से पौधे यूज होते हैं हमारे कपड़े तैयार करने के लिए। प्लांट्स प्रोवाइड फ्यूल, प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं वो हमें एक फ्यूल प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद ब्यूटी एंड प्लेयर, बहुत से पौधे जो हैं वो हमारे लिए खुशी और मुसरत का बाइस बनते हैं, वो हमें ब्यूटी मुहैया करते हैं, वो हमें खुशी महसूस करवाते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंस हैं प्लांट्स की, और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं प्लांट्स की, लेकिन जो बेसिक इंपॉर्टेंस हैं, जो अहमियत है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी में, वो ये है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन तैयार करना। फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस, एक ऐसा अमल है प्लांट्स यूज, जिसे पौधे इस्तेमाल करते हैं टू मेक फूड, अपनी खुराक बनाने के लिए। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिससे पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रॉ मटेरियल्स जो यूज़ होते हैं फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और मेक्स शुगर, ग्लूकोज जो पौधे की खुराक है वो बनाते हैं, एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं जो इस्तेमाल होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सांस लेने के दौरान, सांस लेने के अमल के दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है। इक्वेशन की तरफ देखा जाए तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, प्रोड्यूस क्या करते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो कि पौधे की खुराक है, एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और 6 मॉलिक्यूल बनाते हैं ऑक्सीजन के जो ड्यूरिंग रेस्पायरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर लेते हैं। याद रहे यहाँ जो सनलाइट इस्तेमाल हो रही है वो सूरज की रोशनी है, और फोटोसिंथेसिस ओनली ऑन डे टाइम में होती है, नॉट एट डार्क। फोटोसिंथेसिस का मतलब ही यही है लाइट की प्रेजेंस में। तो लाइट जो होगी वो दिन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं पौधे, अदरवाइज विदाउट रोशनी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं की जाती। नेक्स्ट, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है और कौन सा प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, तो उसके लिए एक स्टार्च टेस्ट किया जाता है। ऐसे प्लांट जिनके लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होती है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ऐसे प्लांट जिनके लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगी वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि जो हमारे पास इस वक्त प्लांट है या प्लांट का जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस करता है या नहीं करता, तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को हमने नाम दिया है द स्टॉर्च टेस्ट। एक टेस्ट किया जाता है, स्टॉर्च टेस्ट, जो हमें बताता है कि जो हमारे पास प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करवा सकता है या नहीं करवा सकता। टू टेस्ट फॉर स्टार्च इन अ लीफ, एक पत्ते में टेस्ट स्टार्च को टेस्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमूव अ ग्रीन लीफ फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से रिमूव करना है हमने एक ग्रीन लीफ, एक सब्स पत्ता, उसको बॉयल करना है। बॉयल द लीफ इन द बॉयलिंग वाटर, स्टॉप एंजाइमेटिक रिएक्शन विद इन सेल्स इन लीफ। पत्ते को हमने
गर्म पानी में बॉयल करना है, क्योंकि उसमें जितने भी सेल्स के अंदर रिएक्शंस हो रहे थे उनको हमने स्टॉप कराना है. देन पुट द बॉयल लीफ इन बॉयलिंग ट्यूब कंटेनिंग अल्कोहल. बॉयल किया हुआ जो लीफ है अब उसको हमने बॉयलिंग ट्यूब में डालना है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, अल्कोहल. अल्कोहल प्रेजेंट होगी, इसका मकसद ये होगा कि जो ग्रीन कलर है लीफ का वो हमने रिमूव करवा देना है. एक्सट्रैक्ट क्लोरोफिल एज एथेनॉल डिजोल्व लिपिड्स इन सेल. हमने क्लोरोफिल को एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि लीफ को जो कलर मिलता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही मिलता है. तो एथेनॉल जो है बॉयलिंग ट्यूब में, एथेनॉल जो है वो ग्रीन कलर को रिमूव कर देगा. नेक्स्ट है रिटर्न द लीफ टू द हॉट वाटर. अब हमने लीफ को दोबारा से गर्म पानी के अंदर ऐड करना है, और ताकि वो जो हमारा लीफ है वो अच्छी तरह से क्या हो जाए, वॉश हो जाए. सोफन द लीफ एंड अलाउ पेनिट्रेशन ऑफ आयोडीन. अब हमारा जो लीफ है वो सोफन हो गया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा नर्म हो गया है. अब उसके अंदर हमने आयोडीन को अलाउ करना है कि उसके ऊपर हम आयोडीन टेस्ट कर सकें. रिमूव लीफ एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट. अब हमारे पास जो लीफ है, कलरलेस लीफ है, जो हमने ग्रीन लीफ से उसको कलरलेस बनाया है, उस लीफ के ऊपर हमने आयोडीन ड्रॉप किया. आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स जब हमने ऐड किए तो आयोडीन का कलर जो है वो ब्राउन से ब्लू ब्लैक में टर्न हो गया. इट्स मीन कि ये जो लीफ है ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है. अगर ब्राउन कलर टर्न ना हो ब्लू ब्लैक में तो इट्स मीन कि ये वाला जो प्लांट है और इस प्लांट का जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता. अगर तो लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगी तो कलर चेंज हो जाएगा आयोडीन का, और अगर लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगी तो आयोडीन का कलर चेंज नहीं होगा. तो स्टार्च टेस्ट मतलब जो लीफ स्टार्च कंटेन करता है वही फोटोसिंथेसिस करेगा, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकेगी. जी अब कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस पर असरअंदाज होते हैं. फोर फैक्टर्स अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल है लाइट, रोशनी. इफ देयर इज मोर लाइट फोटोसिंथेसिस हैपन्स फास्टर. यस, अगर बहुत ज़्यादा दिन सूरज की रोशनी होगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल बहुत ज़्यादा तेज होगा. सेकेंड वाटर, पानी. इफ देयर इज नॉट इनफ वाटर फोटोसिंथेसिस स्लोस डाउन. यस, फोटोसिंथेसिस कराने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है. अगर पानी इनफ नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का अमल स्लो होगा. टेम्परेचर, दर्जा हरारत. द बेस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड. एनीथिंग अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड विल स्लो फोटोसिंथेसिस राइट डाउन. यस, कार्बन डाइऑक्साइड मेन रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. इफ देयर इज मोर कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस विल हैपन क्विकर. अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल भी तेज होगा, क्योंकि जो मेन रॉ मटेरियल है फॉर फोटोसिंथेसिस वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है. तो ये थे प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस. आई होप आपको समझ आ गई हो. फैक्टर्स थे फोटोसिंथेसिस के बारे में, कितने फैक्टर्स थे, फोर फैक्टर्स थे जो हमने आज रीड आउट किए हैं. लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. थैंक यू.